वाराणसी में बुधवार की शाम काशी के विश्व प्रसिद्ध 80 घाट पर काशियाना फाउंडेशन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम योगेश्वर राम मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके किया। काशियाना फाउंडेशन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से धूम्रपान और तंबाकू युक्त उत्पादों के सेवन से होने वाले नुकसान की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश की गई। आज देश का हर दूसरा युवा व्यक्ति तंबाकू के नशे में अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है और लगातार अपने शरीर को कमजोर बनाने में लगा हुआ है। देश के भविष्य सिगरेट के धुएं में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। युवाओं में स्मोकिंग एक शगल बन गया है। युवाओं में तेजी से फैल रहे स्मोकिंग की लत को छुड़ाने के लिए खुद युवा ही आगे आए हैं। काशियाना फाउंडेशन के युवा लगातार इस बाबत जागरूकता अभियान चला रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा ने भी काशियाना फाउंडेशन की इस मुहिम की सराहना की है और पत्र भेजकर काशियाना फाउंडेशन की मुहिम की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इसके अलावा भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक जी ने भी वीडियो संदेश भेजकर काशियाना फाउंडेशन को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान अनन्या त्रिपाठी ने भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया एवं एकता श्रीमाली ने गीत गाकर लोगों को जागरूक किया। काशियाना फाउंडेशन ने इस अवसर पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जिसमें धूम्रपान न करने का संदेश निहित था। प्रयास किया है संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाई जाए और बताया जाए कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारी है। तंबाकू से कैंसर होता है, कैंसर के अलावा और भी ऐसी व्याधियां होती हैं जिससे आपका पूरा जीवन संकट में होता है। लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिवर्ष इस देश में तंबाकू के कारण उनकी मृत्यु होती है। बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छी जगह पर गंगा का सुरंग तट पर मेरे ख्याल से पवित्रता के लिए इससे अच्छी और बात करने का कोई जगह नहीं हो सकती और इस प्रयास को आप लोगों के माध्यम से मैं भी अपील करता हूँ तंबाकू का प्रयोग तत्काल बंद करें। इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहें, इससे लोगों को संदेश होता है।